महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 325 मरीज ठीक हुए हैं और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामले 2772 हैं। इसके अलावा दूसरी खबर से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यहां पहली बार B.A.4 और B.A.5 वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। राज्य के पुणे जिले में BA.4 के 4 और BA.5 के 3 मरीज सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन सभी पांचों मरीजों में हल्के लक्षण पाए गए थे, घर पर ही इनका इलाज किया जा रहा था। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के कई देशों में अप्रैल में ओमिक्रॉन के ये सब वेरिएंट पाए गए थे, लेकिन अब तक राज्य में कोई मामला सामने नहीं आया था। उन्होंने बताया कि B.A.4 के 4 मरीज और B.A.5 के 3 मरीज हैं, जिनमें से 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को मिले इन मरीजों में से 4 मरीज 50 से अधिक उम्र के हैं, जबकि 2 की आयु 20 से 40 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि एक 9 साल के बच्चे में भी इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया कि 6 मरीजों ने टीके की दोनों खुराकें ली हैं, जबकि एक मरीज ने बूस्टर शॉट भी ले लिया है। बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है। अधिकारी ने यह भी कहा कि उन सभी में कोविड-19 के हल्के लक्षण थे और घर पर ही आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इन मरीजों के नमूने 4 से 18 मई के बीच लिए गए थे। अधिकारी ने बताया कि जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि इनमें से 2 ने दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम की यात्रा की थी, जबकि 3 ने केरल और कर्नाटक की यात्रा की थी। अन्य 2 रोगियों की हाल फिलहाल में कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। गौरतलब है कि BA.4 और BA.5 वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनवरी फरवरी में रिपोर्ट किया था। तब से दोनों वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, डेनमार्क सहित यूरोप के कई देशों में कहर मचाए हुए हैं। B.A.4 और BA.5 ओमिक्रॉन के सब वेरियंट हैं। हाल ही में तमिलनाडु में एक 19 वर्षीय महिला SARS-CoV-2 के वेरियंट BA.4 से संक्रमित मिली थी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने वाला एक व्यक्ति हैदराबाद एयरपोर्ट पर BA.4 वेरिएंट से संक्रमित मिला था। दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के कई देशों में अप्रैल में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पाए गए थे, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में कोई मामला सामने नहीं आया था। हालांकि शनिवार को यहां 7 मरीजों में इन सब वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।